ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد सामियन इकराम नवाकदास्लाम की तादाद कुल कितनी है फका ने अपनी किताबों में कई असाब जिक्र किए हैं कई नवाक जिक्र किए हैं कई अबाब रद्दा जिक्र किए हैं शेख अब्दुल अजीज बिन बाज़ रही मिला ने अपनी किताब शर नवाकदास्लाम में जिक्र किया है कि इब्ने हजर अलहतमी अलमक् ने चार से ज़ायद नवाक़ को गिनाया है रही बात जो किताब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अब्दुल्वाहाबाबरल की है इसमें सिर्फ दस नवाज जिक्र किए गए क्या कुल इतने ही हैं ऐसा नहीं है बल्कि इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अब्दुल्वाबरल्ला ने अपनी किताब में सिर्फ उन नवास को जिक्र किया है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। या ये कि इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्वाहबरल्ला ने सिर्फ़ उन नवाज़ को जिक्र किया है जिस पर अक्सर फ़कहा और का इतफाक़ है तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल रही ने उन्हीं नवाक़ का जिक्र किया है जो असल हैं जो असूल की हैसियत रखते हैं और तमाम नवाकज़ उन्हीं की तरफ लौट कर आते हैं तो लिहाजा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे अहम नवाक़ को उन्होंने अपनी इस किताब में ज़िक्र किया है नवाकाम किताब की काफ़ी शरहें हैं एक्सप्लनेशन तोज़ीहत हैं बीस से जायद शरहें लिखी गई हैं जिनमें से कुछ आपके सामने हैं अतिबियान नवाक़दुल इस्लाम, शेख सलेमान नासिर नासर अलवान की है और शेख इब्न अब्नसमीम रही की भी एक शर्ह है नवाक़दुल इस्लाम के नाम से उसी तरह से अल्लाम शर नवाकदास्लाम शेख अब्दुल अजीज़ अब्दरिएफ़ी की है शेख अब्दुल अजीज बिन बाज़ रही की मशहूर शर है शबुसम शर नवाकदास्लाम के नाम से अल्लाह रब लजत सब पर रहम फरमाए उसी तरह से शेख सालफ़ान की भी शर है शरनवादास्लाम के नाम से मुख्तफ़ इल्म ने इस किताब की शर की है और इस किताब को काफ़ी मकबूलियत मिली है दुआ करते हैं कि अल्लाह रब् लिजत मुझे और आपको इस किताब के पढ़ने में सुनने में और उस पर सही अमल करने में الله زد التوفيق نسيف المعين امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته